नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल ट्रैकिंग यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मोबाइल के माध्यम से आधार कार्ड डाउनलोड करने के दो तरीके बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो को पॉज या स्किप बिल्कुल भी मत करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, सिंपली आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहां सर्च बार में uidai.gov.in सर्च करेंगे। सर्च कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो वहां पर आपको डाउनलोड आधार पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, साइट खुल जाने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस तो होगा। तो यहाँ पर हम पहले अभी आधार नंबर से आधार कार्ड डाउनलोड करना देखते हैं। तो हम यहाँ फटाफट अपना आधार नंबर और उसके नीचे सही सही कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। EXV, उसके बाद हमें जो नीचे एक ऑप्शन है सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पे 6 अंकों का ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए देखिए ओटीपी आ चुका है। सिंपली उसको हम यहाँ पे डालते हैं 9911170। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे और उसके नीचे नॉट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और सिंपली वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारा आधार कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो अभी मित्रों इसको हम ओपन नहीं करेंगे, सिंपली इसको हम कैंसिल करते हैं और बैक आते हैं। और हम अब दूसरे तरीके से इनरोलमेंट आईडी के माध्यम से आधार डाउनलोड करना देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट आईडी टाइम डेट के साथ फिल करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं और उसके बाद नीचे हमें सही सही कैप्चा भी फिल करना है। तो चलिए अभी कैप्चा बचा है और सिंपली नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लगा है उस पे 6 अंकों का ओटीपी जाएगा। देखिए ओटीपी आ चुका है 527773। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद इसमें भी नो करेंगे और उसके नीचे नॉट ऑर्डर पर करेंगे और सिंपली वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आधार डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली इसको खोलने के लिए हमें आधार होल्डर्स के नेम के पहले के 4 अक्षर कैपिटल लेटर में और उनके डेट ऑफ बर्थ के साल को दर्ज करना होगा। तो हाँ, हमने कर लिया है, देख लीजिए पीडीएफ आप खुल गई है। तो मित्रों आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई अगर नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।